ओके मैंने यहाँ एक ग्रिड बनाई है, ये अभी हाथ छोड़ दो, इट्स ओके. यहाँ ग्रिड बनाई है, ग्रिड में मैं कुछ अंक कुछ कुछ अंक कुछ नंबर्स लिखने वाली हूँ, लेकिन मैं वो नंबर्स लिखूंगी जो आप लोग मुझे बताएंगे. तो जो नंबर आपके मन में आता है आप मुझे बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी. पूरी ऑडियंस का साथ चाहिए, यहाँ फ्रंट रोल से लेके पीछे ऊपर तक सबका साथ चाहिए, पूरी की पूरी ऑडियंस. एक और दस के बीच का कोई भी एक नंबर अपने मन में सोचिए, अभी मन में सोचिए. क्या ही चल रहा है. ओके सोच लिया सबने, जिनको मैं पूछूंगी जब. अच्छा कौन सा नंबर चिल्लाया था उन्होंने? चलो मैंने फाइव भी सुना, मैंने सेवन भी सुना है, मैं दोनों लगा देती हूँ. सेवन लिख देते हैं, फाइव लिख देते हैं, और थोड़े नंबर्स लेंगे. सर आप बताएंगे क्या नंबर सोच रहे हैं आप? हाँ जी नंबर टू एंड हाँ सर आप हाथ ऊंचा कर, आपने कौन सा नंबर? नाइन. विल टेक टू एंड नाइन. दो तीन और नंबर चाहिए, ऊपर से लेते. एक जीरो आता है एक से दस के अंदर. स्कूल मैं नहीं गई हूं. सिक्स सिक्स एट सिक्स एंड एट सिक्स. एक लास्ट वन नंबर सर वन. ओके अब मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ बड़े नंबर्स बताएंगे. बड़े रुको रुको पेशेंस सब्र. बहुत जोश है, खाना खाकर आए थे मम्मी. नंबर दो डिजिट का होना चाहिए, ठीक है? बड़ा भी दो डिजिट का, छोटे नंबर. एक सेकेंड, छोटे नंबर्स मेरे पास ऑलरेडी. मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे पुलिस वालों को डांटना. छोटे नंबर्स मेरे पास ऑलरेडी है, तो आपका नंबर हम 20-22 के ऊपर रखेंगे. तो एवरीबॉडी 21 21 एंड 99 के बीच का, 21 और 99 के बीच का कोई भी एक नंबर अपने मन में सोचिए. मन में सोचिए अभी. ओके सोच लिया सबने? आप में से किसी एक को मैं स्टेज पे बुलाने वाली हूं. एक बार फिर से मैं नहीं डिसाइड करूंगी स्टेज पर कौन आने वाला है. व्हाई डोंट नमिता इफ यू कैन हेल्प मी. एनीबॉडी आप या तो देखो भी मत, ऐसे मुझे देखते थे, कहीं पर भी फेंक दो. एनीवेयर. हाँ आपके मन में कोई नंबर है दो डिजिट का? सुन ही नहीं रहे मेरी. नहीं नहीं वन लेटर ऑन आई नीड मोर. सर आ जाइए स्टेज पर आना है, स्टेज पर आना है. जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. उद्दपा, बाप रे नाम में कितना दम है. उद्दपा 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 बराबर बोल रही हूँ मैं. उद्दपा 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 सर जी ऐसा बुलाती हूँ मैं, ठीक है? उद्दपा जी आपको मेरी मदद करनी है. मदद वो जो कर रहे थे वो मदद. कुछ नहीं, बहुत सिंपल टास्क है. जो नंबर के बारे में आप सोच रहे हैं आपको उसी को रिपीट करते रहना है अपने मन में. मेरे तीन गिन. अच्छा पहले सीधे खड़े हो जाएंगे ऐसे, मुझे देखना है मैं अच्छी दिख रही हूँ. हाँ बोलो. हाँ मेरे तीन गिनने पर आप अपनी आंखें बंद कर कर एक स्टेप आगे आ जाए, एक स्टेप आगे आ जाए. मेरे तीन गिनने पर आप अपनी आंखें बंद करके लगातार उसी नंबर के बारे में सोचते रहेंगे जो आप सोच रहे हैं. चीटिंग नहीं करनी, नंबर नहीं बदलना, गाना मत गाना, ऐसे ऐसे करके देखना. करते ही नहीं हम, तो बहुत शरीफ लोग हैं. और टेंशन मत लेना, आंखें बंद होने के बाद कोई शर्मनाक हरकत नहीं होगी आपके साथ. आंखें बंद होने के बाद जो भी होगा उसमें बहुत मजा आएगा ऑडियंस को. अभी से बंद कर दी, कितने शरीफ है ये. वन टू थ्री आंखें बंद, म्यूजिक.
आंखें खोलेंगे सर, ग्रिड को देखेंगे, ऑडियंस को बताइए क्या आपका नंबर इस ग्रिड में मैंने कहीं लिखा है, हाँ या ना, यस और नो? नो। ध्यान से देखिए। नहीं, अच्छा ये नंबर नहीं है, वो एक बार मैं बाद में डील करती हूँ। आपको कितनी मजा आ गई ना? नहीं मतलब सुनिए, देखो यहाँ पर कोई एक सिंगर अगर गाना गा रहा है, गाना बिगड़ जाता है, लोगों को दया आती है, अरे गाना बिगड़ गया, हमारा गलत होता है, लोगों को बहुत मजा आती है। मतलब मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस बिगड़ गया ना, मेरे को मेरे पैसे मिल चुके हैं, मेरा चेक क्लियर हो चुका है, आपका एंटरटेनमेंट बिगड़ जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे से, वो छोड़ो अभी, क्या करें इसका। नहीं है, कहाँ एक और बार कैसे। ओके कुछ करते हैं। यहाँ पे आप चार लाइनें देख रहे हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, चार रोज है। अगर मैं आपको बोलूं आपको इन चार में से कोई भी एक रोज सिलेक्ट करनी हो, तो वो रो कौन सी होगी, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? चौथी। ओके, जब भी ऑडियंस कोई चीज सिलेक्ट करती है, हम उन्हें ऑप्शन देते हैं चेंज करने के लिए। क्या आप चौथी रो बदल के दूसरी रो सिलेक्ट करना चाहते हैं? हाँ। सर आगे आ जाएं, कितने अच्छे हैं। इसे कहते हैं मदद करना। ओके तो सेकंड रो। हाँ, ओके, फैंटास्टिक। तो इन्होंने रोज चूज करी है सेकंड। फॉर द फर्स्ट टाइम माइक पे पूरी ऑडियंस को बताइए, आप मन में कौन सा नंबर सोच रहे थे? 55। हाँ, सुन लिया मैंने, 55। मेरे को 55 पता है क्या होता है। हाँ, नंबर बदला नहीं? नहीं, नहीं। मतलब कौन सा नंबर सोच रहे थे, रो कौन सी सिलेक्ट करी? आइए सर पीछे, सेकंड रो में और 55 में कोई तो कनेक्शन है। 6 + 3 9 9 + 34 43 43 + 12 होता है 55, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन मेरे को पता है पहले आपने चौथी रो चुनी थी ना। चलो अगर हम चौथी रो ही रखते तो क्या होता, 35 प्लस 11 होता है 46, प्लस 5 51, प्लस 4 होता है 55, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन अगर आप पहली रो सिलेक्ट करते तो क्या होता, 7 प्लस 2 होता है 9, प्लस 37 होता है 46, प्लस 9 भी होता है 55, और 1 प्लस 8 होता है 9, प्लस 10 होता है 19, 19 प्लस 36 भी होता है 55, लेडीज एंड जेंटलमैन। नहीं ये सर ताली नहीं बजा रहे, रुको मैं इंप्रेस करती हूँ आपको। और आपको पता है क्या, छोड़ो, आपको पता है क्या, छोड़ो, 7 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 35 भी होता है 55, 2 प्लस 34 प्लस 8 प्लस 11 होता है 55, 37 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 5 होता है 55, और 9 प्लस 6 प्लस 36 होता है 55, नहीं 51, प्लस 4 अब होता है 55। उत्तमा जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टेज पर आने के लिए, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। थैंक यू। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, कामयाबी कोई मंजिल नहीं, एक राह है, चलती रहती है मेरे इस एक्ट की तरह। मेरा मानना है सक्सेस इज अबाउट फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज outside the box. 7 plus 35 plus 4 plus 9 भी होता है 55. कामयाबी का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी कमियों को पहचान के उन पे काम करना, और अपनी ताकतों को दुनिया के सामने रखना, अपने आप से रूबरू होना। 34 plus 3 plus 10 plus 8 भी होता है 55. कामयाबी का मतलब है टीम वर्क,
लोगों को साथ में लेकर चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. 7+2+12+34 होता है 55. 1+8+11+35 होता है 55. 10+36+5+4 होता है 55. और 37+3+10+6 भी होता है 55. Ladies and gentlemen. Thank you. लेकिन जब आप कामयाबी की राह पे चलते हैं ना, ऐसा भी वक्त आता है जब आप गिर जाते हो, आप टूट जाते हो और आपको लगता है सुहानी ये सब बातें ना बोलने में अच्छी लगती है, सुनने में तो और भी अच्छी लगती है, पर जब when real obstacles है, जब असल जिंदगी में मुसीबत आती है ना, तब ये बातें कोई मायने नहीं रखती. उस वक्त भी अपने आप को उठाओ, थोड़ा सा झटको और चलते रहो, जल्द आप पाओगे. 7+34+10+4 होता है 55. 9+3+8+35 होता है 55. अगर आप मानते हो कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं एक राह है, तो आपको कामयाबी हर मोड़ पे प्राप्त होगी जैसे मुझे होती है. 2+37+11+5 होता है 55. 12+1+6+36 होता है. थैंक यू. वो सर है ना, वो सर उन्होंने पूरे एक्ट में ताली नहीं बजाई, वो ना ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं. ये सुहानी सच में 55 होता है कि बस जल्दी जल्दी बोले जा रही है? नहीं सर, होता है, गिन लो. थैंक यू. वेल, मेरे ना काफी सारे वीडियोस है YouTube के ऊपर जहां पे मैं काफी सारे एक्ट्स करती हूँ, तो उसमें से जो एक सबसे पॉपुलर एक्ट है, ऐसे मैं बहुत डर रही थी, मैंने दिलीप जी को पहले ही बोला था कि ये मुझे आप ऐसे एक्ट यहाँ पर करवा रहे हो, मेरे को काफ़ी डर लग रहा है, ऐसे सारे पुलिस वाले बैठे, तो मैंने थोड़ा उसको ट्वीक कर दिया थोड़ा सेफ खेलने के लिए यहाँ पे. तो सबसे वायरल जो मेरा एक्ट है जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है, उसमें मैं लोगों के फ़ोन्स को अनलॉक कर रही हूँ, तो उनके पासकोड्स को हैक कर रहा हूँ, उनके दिमाग से उनके कोड्स निकालना, ऐसे सब हरकतें कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा सेफ खेलेंगे और थोड़ा ट्विस्ट के साथ खेलेंगे यहाँ पर. यानी कि अगर मैं आप में से किसी एक का फ़ोन लूँ, उसे अनलॉक करूँ, इतना बड़ा लाइक रिस्क तो मैं नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा उसको ट्वीक कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर ट्विस्ट लाते हैं और उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. मैं आपका फ़ोन अनलॉक करूँ, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप में से कोई एक मेरा फ़ोन अनलॉक करें. इंटरेस्टिंग है ना? तो वो एक कौन होगा मेरा फोन अनलॉक करने के लिए? अच्छा, एक चेयर ला देंगे यहाँ पर और ये बोर्ड थोड़ा पीछे कर देंगे. एक चेयर यहाँ पे ला दिए, बोर्ड थोड़ा पीछे कर दीजिए. ओके, कुछ कुछ लोग हाथ ऊंचा करें, एक काम करते हैं. मतलब पेपर बॉल किसी के पास है? हाथ में है किसी के पेपर बॉल? किधर है? बट दिस टाइम मैं चाहती हूँ थोड़ा पीछे की ओर भी अगर जा सके बॉल तो इट विल बी नाइस. हाँ, थोड़ा सा इफ यू कैन हेल्प मी, थैंक यू. मतलब मैं चाहती हूँ पीछे भी लोगों को चांस मिले. तो आप जिसको भी बॉल फेंके, एनी वेयर यू वॉन्ट, जिनको भी बॉल मिलता है डरो मत, बॉल है उसको कुछ नहीं, ऐसे हाथ में पकड़ लो, पेपर बॉल है, खड़े हो जाइए और आप स्टेज पर आ जाएंगे. आपको अगेन हेल्प करना है, मैं चाहती हूँ पहले आप यहाँ बैठ जाएंगे. और ये मेरा फ़ोन है, इसका मैं आपको पहले दिखा दूँ जिन लोगों को नहीं. देखिए, फ़ोन फ्लाइट मोड पे, वाईफाई, ब्लूटूथ, सब कुछ बंद है. यानी कि ये फ़ोन कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आ नहीं सकती. इसको फ्लाइट मोड पे डाल के रखा हुआ है, ठीक है. आईफोन है तो इसके पीछे कोई सेंसर नहीं है जहाँ से मैं ये फ़ोन खोल सकती हूँ. और ये पुराना आईफोन है, मैं इतनी रईस नहीं हूँ, तो फेस रिकग्निशन भी इस पर नहीं चलता है, ठीक है. यानी कोई कोड डालोगे तो ही फ़ोन ओपन होगा.
तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ प्रवीण जी, आप कोई भी 6 डिजिट का कोड इसके अंदर डालें, एनीथिंग यू वांट, मैं देखूँ तो भी चलेगा। आप अपने फोन का कोड भी डाल देंगे तो मुझे पता चल जाएगा, इट्स ओके। ये नहीं ओपन होता, करेक्ट। मैं एक बार ऑडियंस में आऊंगी, आप लोगों को भी चेक कराना चाहती हूँ कि भाई इट्स अ वेरी सिंपल फोन। तब तक के लिए कैन वी गिव हिम अ माइक प्लीज। ओके सर, मैं चाहती हूँ आप कोई भी 6 डिजिट इसके अंदर डालेंगे, कोई भी 6 डिजिट, एनीथिंग यू वांट।